तो चलो दोस्तों, फाइनली ड्रीम क्रिकेट 24 ने भी अपना जादू दिखा दिया, यानी कि उन्होंने भी अपना अपडेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। और अपडेट के अनाउंसमेंट के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट, ऑफकोर्स रील है, वो पोस्ट किए। उसके अंदर उन्होंने बताया कि स्टेडियम सिलेक्शन मतलब मोस्ट अवेटेड फीचर है ये स्टेडियम सिलेक्शन का, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे स्टेडियम भी देखने को मिले हैं। अभी कौन कौन से स्टेडियम है वो उन सबके मैं नाम वगैरह सारी चीज़ें बता दूंगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है, क्या ये सिर्फ स्टेडियम का ही होगा या फिर और भी फीचर्स आने वाले, तो ये चीज़ भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच आउट करना ताकि आपको सारे फीचर पता चल जाए और जितने अपडेट के जो डेट वगैरह सारी चीज़ें आपको पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी कर लेना प्रेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन से स्टेडियम देखने को मिलने वाले, उसके बाद हम सारे फीचर्स की बात करेंगे क्या कौन कौन से फीचर और आने वाले हैं इस गेम के अंदर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं स्टेडियम की बात करूं तो इसके अंदर आपको एक ओकलैंड का स्टेडियम, एक बैंगलोर का स्टेडियम, धर्मशाला, कोलकाता, उसके बाद बारबाडोस का स्टेडियम, अहमदाबाद का स्टेडियम, मुंबई का स्टेडियम और साथ में आपको देखने को मिल सकता है शायद चेन्नई का भी स्टेडियम, क्योंकि ट्रेलर के अंदर हमको एक चेन्नई का स्टेडियम भी दिखाया गया था। तो पॉसिबिलिटी है कि वो चेन्नई का स्टेडियम भी आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। जैसे आप शायद देख पा रहे होंगे कि चेन्नई का स्टेडियम भी आपको अपडेट के अंदर दिखाया गया जब आईपीएल का अपडेट आया था उस टाइम पे। ओके, तो ये तो हो गए सारी चीज़ें। इसके अंदर मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि डे और नाइट के दोनों मैचेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, बट नाइट के ऊपर एक लॉक लगा हुआ, पता नहीं वो लॉक कैसे खुलेगा, क्या खुलेगा मुझे नहीं पता है, वो उसके बाद हमको अपडेट आएगा, उसके बाद पता चलेगा। अभी मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर और क्या फीचर आ सकते हैं। इसके अंदर आपको फीचर्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं न्यू बैटिंग शॉट्स, न्यू आपको फील्डिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि मैनुअल फील्डिंग भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा अवेटेड फीचर है, तो इसके अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। बट हाँ, एक चीज़ बता दूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टेडियम का अपडेट तो नहीं होने वाला, क्योंकि उन्होंने खुद ट्रेलर के अंदर बोला है कि ये स्नीक पिक है, यानी कि एक ट्रेलर का जो हाईलाइट फीचर है वो यही होने वाला है। इसके बाद मैं बात करूँ तो इस गेम के अंदर आपको और भी फीचर्स देखने को मिल सकता है, जैसे कि में एनिमेशन साथ में आपको देखने को मिल सकता है, बैट के स्टिकर्स भी, और साथ में आपको देखने को मिल सकता है थोड़ा सा यूआई चेंजेस और एआई चेंजेस भी। ओके, और तो मुझे नहीं लगता कि और भी कोई मेजर चेंजेज इस गेम के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। बट हाँ, एक चीज़ बता दूँ कि जो गेम का ट्रेलर है वो एक और अब ट्रेलर आने वाला है, जिससे हमको पता चलेगा पूरे अपडेट के अंदर क्या चीज़ आई है। ओके, तो अभी मुझे लगता है कि कोई सेलिब्रेशन वगैरह भी आपको देखने को मिल सकता है गेम के अंदर। और इसका रिलीज डेट की बात करूँ तो आपको इसी मुझे लगता है 15 सितंबर तक आपको गेम देखने को मिल सकता है, 15 या फिर 20 सितंबर के आसपास आपको एक गेम देखने को मिल जाएगा। ओके, बस फिलहाल के टाइम पे तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जब भी एक न्यू ट्रेलर आता है या फिर जब भी गेम आता है तो आपके पास फुल रिव्यू वीडियो बना के लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।